तो हेलो गाइस, चलिए आज कुछ होम डेकोरेशन के लिए जो है अमेजिंग लाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो पे बने रहिएगा। और आप देख पा रहे हैं ये जो हमारे पास एक कॉइल है, इसी तरह जो है कॉइल ये थोड़ा पतला है। ठीक है, कुछ आपको मोटा कॉइल ले लेना है और इतना इतना दूरी पे जो है इसे कट करके रख लेना है। ठीक है, जितना आप लाइट कनेक्ट कर पाओगे उस हिसाब से। तो चलिए मैंने जो है पा रहे कर कुछ लिए इस तरह से, जो मैंने इसे कॉइल को जो है सीधे से आप देख पा रहे, इतना मैंने इतना लॉन्ग जो है इसे कट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसे जो है कट करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये मोड़ मोड़ लिए हैं, राउंड पे है। ठीक है, तो मैं इसे जो है यहाँ से कट करूँगा ताकि एक एक जो हमारे वायर अच्छी तरह से निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी दोनों साइड से कट करके इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे निकाल लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है हम इसमें जो है लाइट कनेक्ट करने वाले हैं। हाँ, तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये जो डब LED है, लाइट है, इसका जो है हम ये निकालने वाले हैं लाइट एक एक करके। तो आप देख पा रहे हैं जितना हमारे वाइट वाइट कलर का लग रहा है वो सब जो है कलरफुल है, रेड ब्लू ग्रीन करके है। ठीक है, बाकी इधर वाला वाइट और आप देख पा रहे हैं अलग कलर का है। ठीक है, ऑरेंज कलर का। तो जो इस सब जितना लाइट है इस सब को निकाल लेंगे उसके बाद। तो चलिए सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे का प्रोसेस। तो वैसे इस निकालने के लिए सिंपल सा इसी तरह सोल्डिंग आयरन आप देख पा रहे हैं जैसे पहले निकाले थे उसी तरह से हम इसे रख देना है इस तरह से। ठीक है, थोड़ा हीट वेट करेंगे, थोड़ा हीट होने दीजिए। तब तक ये हीट हो रहा तब तक इसे साइड पर रखते हैं और इस वायर को जो है इसे कटिंग कर लेते हैं एक एक करके निकाल के। ठीक, तो वैसे इस तरह से जैसे आपको काट लेना है। अब लाइट को जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी तक गर्म हो गया होगा, इस तरह से इसे निकाल लेंगे। अब गैस मैं इसे निकालूंगा एक एक LED को। ठीक है, इस तरह से हीट हो गया होगा और इस तरह से जो है एक एक LED को इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब देख पा रही इस तरह इतना सारा जो है लाइट को जो मैं निकाल दिया हूँ। अब इधर फिर इसे वापस इस तरह कर देंगे। अब गाइस इधर वाला भी जो है निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो गाइस मैं निकाल लिए हैं। ठीक है, तो चलिए इतना सारा जो है हमने निकाल लिए हैं अब देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी को जो अब कनेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पे पानी पानी हो गया। ठीक है, तो चलो इतना सारा जो हमारा लाइट यहाँ पे मिला है कलर में रेड ग्रीन ब्लू करके जो है इतना सारा इसी में जो है कनेक्ट करेंगे। आपके पास और मिलेगा तो आप इसमें जो है और कर सकते हो। आपको एक एक जो है इस तरह से वायर ले लेना है और इस पे वायर पे एक एक LED को जो है कनेक्ट करना है। ठीक है, दोनों साइड, तो दोनों लाइट एक लाइट को जो है इस तरह से LED को इस तरह से मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, एक एक करके जो इसे कनेक्ट करेंगे आगे की ओर का जो है आगे वाला हिस्सा जो है वायर का, इसे आपको इसका हटा लेना, छिल कवर जो इसको, ठीक है, इसका कवर हटा लेना है। तरह से जो है ये पकड़ में आए, तो एक वायर कनेक्ट हो गया। उसी तरह जो है इस वायर को भी कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से गाइस आपने देखा कि कितना जो है मुश्किल से एक एक जो है लाइट को इस तरह से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इन सारी जो है वायरों में, ठीक है, इन सारे वायरों में जितना कब देख पाए कितना वायर है इसमें जो है LED को सब कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा इसे में करने में, तो चलिए कर लेते गाइस हैं। अब देख पा रहे हैं जितना सारा जो है लाइट था सब को जो हम कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जितना था आपके पास जितना होगा आप उतना कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब इसका आगे का प्रोसेस इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक एक जो है आपके पास इस तरह से लाइट जो है एक एक लाइट गाइस आपको जो है यहाँ से काट लेना है। ठीक है, निकाल लेना काट के।
तो इसको जो हमको काटना पड़ेगा इधर से भी, ठीक है। इस तरह से इसे वायर को भी इसे कट कर लेंगे और इधर से भी, ठीक है। लो कट कर दिए हैं, ठीक है। अब गाइस एक एक जो है इस तरह से लाइट आपको निकालना है, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। और आपको चेक करना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, आपको एक एक एलईडी चेक करके अलग साइड करके रखना पड़ेगा, कौन सा हमारा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इस तरह अलग अलग करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से सब एलईडी को मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं जिधर जो है हमारा मेटल जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं ज़्यादा है वो नेगेटिव है, जो कम है वो पॉजिटिव है। तो इसी साइड से सबको आपको एक साइड कर लेना है सब एलईडी को, ठीक है, इस तरह से ही। तो चलिए फटाफट इसे कर लेते हैं, इतना सारा लाइट है सबको कर लेते हैं। तो हम दोनों को छाट लिए, आप देख पा रहे हैं एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। तो इस तरह से आपको जो है जितना पॉजिटिव है एक साइड करना है, इस तरह से मोड़ देना है फोल्ड करके, ठीक है। इधर है नेगेटिव, तो इस तरह से पहले इस तरह से कर लेना है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और इसको जो है अच्छे से जो है यहाँ से इसका कवर जो हटा देना है, ठीक है, और इसमें सोल्डिंग कर देना है आपको, नहीं तो इसका जो ऊपर वाला परत है इसको घिस के जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है, और यहाँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब कर लेते हैं इतना। तो हम इसको जो है अलग अलग कर देंगे, थोड़ा इसमें टाइम लग गया, फिर से अलग करना पड़ा क्योंकि अलग अलग कलर का लाइट है, इसीलिए जो है इसमें एक से नहीं जल रहा पावर से, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो हमें करना पड़ा। और आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे, तो हमको अलग अलग एक लाइट तीनों कलर का जो है एक कॉमन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉमन किए हुए हैं, ठीक है। और एक एक कलर का लाइट जो है आप देख पा रहे हैं एक दो तीन, तो हमें जो है एक के वायर पे जो है इस तरह रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और तीन वायर को ये इस तरह कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा जो है लाइट जलने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं कनेक्ट नहीं किया हूँ, कर देंगे अभी पूरा सेटअप करने के बाद, ठीक है। तो चलिए आपको एक दिखा देते हैं कि किस तरह से ये जलने वाला है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से जलेगा, है ना, ग्रीन है ये रेड और ये ब्लू, तो इस तरह से जलेगा और तीनों को हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस तरह से चलिए सेटअप कर लेते हैं, इसको सेटअप करेंगे हम सबको, मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस हमें जो सेटअप करना है इस बॉक्स में सेटअप करना है, उससे पहले मैं यहाँ पे जो है एक फ़ोन चार्जर का जैक जैक पिन लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएंगे तो हमें इसे होल करके लगाना पड़ेगा, तो चलिए मैं होल करके इसे लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे होल कर दी है और अब इसको जो है लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, काफ़ी आसानी से ये लग जाएगा। अब देख पा रहे ये लग चुका है, अब हमें कनेक्शन करना है यहाँ पे, ठीक है। इस लाइट को सबको मैं एक साथ इसे जो है इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये सब कुछ जो अलग थ्री रहेगा, ये बाकी ये सब जो है एक साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको जो है यहाँ से, अब देख पा रहे हैं ये कॉमन हो गया और ये अलग अलग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कनेक्शन जिस तरह बोले थे उसी तरह है, सब रेजिस्टेंस पे एक एक कनेक्शन है और एक की ये वाला निकल गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह से लग रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कितना अमेजिंग जो लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा अच्छा से, ठीक है, लेकिन बहुत ही बेस्ट अमेजिंग है। तो मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा, हाँ, तो वैसे आप देख पा रहे हैं कितना अमेजिंग कितना मस्त ये लग रहा है, और ये चलेगा तो और भी मस्त ये लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस बॉक्स में है मतलब इसे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ हमको फिक्स करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन कर दिए हैं, अब इसको कुछ नहीं करना हमको, सीधे सीधे से जो है
इस तरह फिक्स करना है, ठीक है, इस तरह से इसे जाम करना है। आप सीमेंट भी डाल सकते हो या फिर कुछ ऐसा जो कि इसे पकड़ के रखे, मजबूत हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से डालना है। हमने जो है इस बॉक्स का ढक्कन पे ही जो इसे सेट कर दिए हैं, ठीक है, और इसे जो है कनेक्शन फिर से करना पड़ रहा है, तो फिर से इसे जो है कनेक्शन करा देते हैं, ठीक है। और ये लो हो चुका है कंप्लीट, बस इससे लगा देना है। गाइस आप देख पा रहे हैं कि ये जो है कंप्लीट हो चुका है, और वाह कितना अमेजिंग गाइस ये लग रहा है, ये जलेगा तो और भी मस्त लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे आपको जला के दिखाते हैं। और गाइस ये जो जलने वाला है ये जलेगा इस तरह से, बी टाइप का आपका फोन चार्जर से। तो चलिए इस तरह से इसे बस आपको डाल देना है और आपका लाइट ऑन। तो भाई सब देख पा रहे कितना अमेजिंग जो लग रहा है, कितना यूनिक में ये लग रहा है, ठीक है। ये लाइट सब जो है एक साइड से अगर आप रखते हैं तो इस तरह से घुमा देना है हर एक लाइट को इस तरह से, ठीक है, नहीं तो जो उधर लाइट है वो आपको इधर नहीं दिख रहा है, पूरा ये घूमेगा तभी लगेगा, ठीक है। तो गाइस कितना अमेजिंग जो लग रहा है, हिल भी रहा तो कितना मस्त लग रहा है। तो चलिए गाइस लाइट ऑफ करके आपको एक बार दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने जो है लाइट ऑफ कर दी है, तो देख पा रहे हैं आप अभी भी इतना ब्राइट है, इतना ब्राइट है ना, अब देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें अभी रोशनी है अभी भी, ठीक है। और इसे अब अगर हम इसमें कंट्रोलर लगा देते हैं जो कि लाइट कम करने के लिए, ब्राइटनेस कम करने के लिए, तो और भी बेस्ट लगेगा, काफ़ी ज़्यादा ये ब्राइट है, ठीक है। तो जिस देख पा रहे जिस तरह मैं इसे लाइट को धीरे धीरे कम करूँगा, ठीक है, ये होगा तब ना, हाँ हो रहा है। तो भाई सब देख पा रहे कितना जो है अब जो है अमेजिंग ये लग रहा है। तो इसी तरह जो है गाइस आपको थोड़ा कम लाइट डार्क में आपको जलाना है, ठीक है। तो गाइस सब देख पा रहे कितना यूनिक लग रहा है गाइस, ये तो आपको पता ही है कि कितना अमेजिंग ये लग रहा है ना। इतना में ठीक रहेगा, इतना ब्राइट में ठीक रहेगा, और कितना मस्त भी लग रहा है। गाइस सोची भी नहीं थी गाइस कि इतना अमेजिंग ये लगने वाला है, ठीक है। तो गाइस ये आपको कैसा लगा गाइस, गाइस ये आपको और क्या आप बता सकते हैं, बोल भी नहीं सकते कि आपको ये कैसा लगा है, ठीक है। तो अच्छा ही लगा होगा देख के, और गाइस इसमें थोड़ा मेहनत भी लगा है, ठीक है। तो गाइस बस इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।